हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है गुरु पूर्णिमा और आप सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज फेस्टिवल होता है, मतलब आज कुछ मीठा सा बनाया जाता है। और अद्विक ने देखो स्वेटर पहन लिया नहा धो के, छोटा भीम वाला स्वेटर। आज ना थोड़ी सी ठंडी सी हवा है, इसी वजह से उसको ना फुल स्लीव वाला टी शर्ट पहना दिया था मैंने। वो बोल रहा था कि मुझे स्वेटर पहना दो, स्वेटर पहना दो, तो ये कहीं तो भी दिख गया उसे, तो ये पहन लिया उसने, माही को पहना के मांगा है उसने। तो चलिए, अभी पूजा तो हो गई है, मेरी पूजा हो गई है, ऐसे मैं क्या 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 बोला आपने इधर फिर क्या बोला उसने फिर वो दूसरा डोरेमोन हो गया। अच्छा, तो मेरे पास टिकटॉक है। अच्छा, पता नहीं क्या बोलते रहता है ये। एक्चुअली जैसे ही नहा के आई वैसे ही पूजा के लिए चली गई थी मैं, कुछ भी फ्रेश वगैरह हुई नहीं थी, मतलब रेडी नहीं हुई थी। ऐसी बाल गिले ही थे तो उसे कोम्ब भी नहीं किया था, और वैसे ही चली गई थी पूजा के लिए। तो पूजा वगैरह हो गई, अभी कोम्ब किया है, थोड़ी सी रेडी हुई हूँ। मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, फिर कामों में लग जाऊंगी, खाना बनाना है तो। और आज मीठे में पूरन पोड़ी बनती है तो पूरन पोड़ी भी बनानी है, तो उसके लिए पूरन के लिए मैंने दाल डाल दी है। अभी पूरन बनाऊंगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी पूरन की। तो चलिए अभी किचन में जल्दी से चलते हैं और उसके बाद किचन में जाके मिलती हूँ आपसे, क्योंकि किचन में ही आज का सारा काम होगा। यहाँ पर मैंने निकाल दिया है गुड़ भी, आज चीनी नहीं डालूंगी, गुड़ डालूंगी, क्योंकि मैं आजकल चीनी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, गुड़ ही यूज़ कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है गुड़ का भी पूरन, चीनी से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरन की रेसिपी हल्की हल्की से आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं करूंगी, इससे पहले भी मैंने शेयर की है। और अगर आपको पूरन की रेसिपी चाहिए हो तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, सेपरेट पूरन की रेसिपी आपको मिल जाएगी कैसे बनाते हैं पूरन। तो जो भी महाराष्ट्रियन है उन्हें तो बनाना आता ही होगा पूरन। चलिए जल्दी से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो गाइज, मेरी पूजा हो गई थी और आप में से बहुत से लोगों ने बोला था कि पास से मंदिर दिखाना, अंदर से मंदिर कैसा है आपका। एक मंदिर क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ चेक कर लेना। तो कुछ इस तरह से मेरा अंदर से मंदिर है। और मेरी पूजा हो गई थी तो और भी अच्छा लग रहा था, फूल वगैरह चढ़ाए थे तो यहाँ पर अच्छा लग रहा था। वैसे भी पूजा होने के बाद जस्ट मैंने ये शूट कर लिया था, और यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह टंगे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने हार भी लाए थे फ़ोटोज़ के लिए, तो इस तरह से ही हार मिल रहे हैं अभी यहाँ पे। तो बस ये हार लेके आए थे। और किसी ने मुझे ये पूछा था कि ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो आपके घर पे है तो अब ज्ञान में हो गया, तो नहीं डियर, मैं नहीं हूँ, मेरी मम्मी है। तो मेरी मम्मी ने ला के दी है ये ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो यहाँ पर, तो मैंने लगाई है, तो मेरी मम्मी ज्ञान में है इसीलिए ये हमारे घर पे है फ़ोटो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दाल मैंने डाल दी है पूरन के लिए, तो चने की दाल डालनी होती है पूरन के लिए, पहले वो मतलब सीटी लगानी होती है चने की दाल को, और उसके बाद उसमें गुड़ या चीनी डाल के उसे अच्छे से पकाना होता है, मीन्स चाचने आने देनी होती है उसमें। तो इस तरह से चने की दाल मेरी पक गई थी, उसे मैं एक मिक्सी में निकाल लूँगी और इसे अच्छे से पीसना है आपको। पूरन तो महाराष्ट्रियन को पता ही होगा कैसे बनाते हैं, बट जिन्हें नहीं पता है थोड़ा सा मैं आपको हल्की सी झलक दिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है आपको, बहुत ही चिकना पेस्ट बनाना है इसका। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस पे और उसमें मैंने ये पेस्ट डाल दिया है जो हमने दाल का बनाया था, और उसमें मैं डाल रही हूँ गुड़। कोई गुड़ डालता है, कोई चीनी डालता है, तो मैं इस बार गुड़ का बना रही थी इसी वजह से गुड़ डाल रही थी, और इसमें गुड़ डाल दिया है। एक्चुअली कद्दूकस करना था तो वो टूट ही नहीं रहा था, तो इसी वजह से, और जल्दबाजी भी बहुत थी तो मुझे बाकी के काम भी करने थे, इसीलिए मैंने ये ऐसे गुड़ डाल दिया। वो कोई बात नहीं, वो पिघल जाएगा, और अच्छे से उसमें पिघलाना है, और बहुत देर तक आपको इसे मिक्स करना है और चलाते जाना है, चलाते जाना है इसे, अच्छे से चलाते जाना है इसे, ताकि ये मतलब इसकी जो क्या बोलते हैं चाचनी छोड़ने लगे और ये थोड़ा सा चिपचिपा बन जाए। तो इस तरह से ये बनाना है आपको, और बहुत देर तक चलाना होता है, आधे से पौन घंटे तक आपको इसे, तब जाके ये बनेगा। और उसके बाद आपको इसमें ना इलायची और जायफल का पाउडर डालना है, तो बस उसके बाद बन जाएगा आपका पूरन। और इसकी रोटी बनानी होती है,
जैसे हम लोग आलू के पराठे बनाने के लिए आलू की जैसे स्टफिंग बनाते हैं तो उसी टाइप की ये स्टफिंग है और उसी टाइप से रोटी बनाई जाती है। तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी रोटी। और यहाँ पर मेरी थाली रेडी हो गई थी पूजा की, तो मैं पूजा की थाली निकाल रही थी। और ये अभी थोड़ी देर के बाद बच्चों को लेके पूजा करने के लिए जाने वाले थे। तो इस दिन होती है मतलब आश्रम माता के मंदिर में जाना होता है पूजा करने के लिए। तो ये और बच्चे जाने वाले थे पूजा करने के लिए यहाँ पर पास में ही आश्रम माता का मंदिर, बट वहाँ पर इतनी भीड़ थी ये बता रहे थे कि मतलब वहाँ पर एक आदमी रखा था और वो दो दो को जाने दे रहा था सिर्फ, मतलब एक एक फैमिली को वैसे, और एक फैमिली बाहर रह रही थी। तो और मंदिर भी ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा मंदिर है, बट वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि ये सब पूरे एरिया में वही एक मंदिर है छोटा सा, तो इसीलिए पूरे एरिया के लोग वहाँ पर आ रहे थे, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा भीड़ थी बोले वहाँ पे। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन रही है अभी, पूरन की रोटियाँ इस तरह से बनाते हैं जैसे आपको मैंने बताया कि स्टफिंग करते हैं उसकी पूरन की, और उसी तरह से जैसे आलू के पराठे बनाते हैं हम लोग उसी तरह से पूरन की रोटी बनाई जाती है। और यहाँ पर मेरी रोटी पलटाते टाइम वो भी हो गई, मतलब थोड़ी सी मुड़ भी गई, तो उसके बाद कोई बात नहीं, ये ऐसे ही होती है। और बस घी लगाया जाता है ऊपर से, तो जैसे हम लोग ऑयल लगाते हैं पराठे में वैसे ही इसे में घी लगाया जाता है। और बस इसे पलटा दूंगी और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा फूल गई है रोटी। तो जैसे रोटी फूल जाती है तो आप समझ जाओ कि आपकी रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। और ये देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी रोटी अभी। और गुड़ का भी पूरन बहुत अच्छा लगता है यार, मैंने आज तक गुड़ का पूरन बनाया ही नहीं, चीनी का ही पूरन बनाती रही, तो गुड़ का भी पूरन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बना के देखना एक बार। पूरन पूड़ी वगैरह बन गई है और बाकी का थोड़ा सी कढ़ी बनाऊँगी, थोड़े से पकौड़े बनाऊँगी, ये बोलेंगे तो बनाना पड़ेगा पकौड़े, नहीं तो फिर पकौड़े वगैरह नहीं बनाऊँगी। ये बाहर गए थोड़ी देर के लिए, तो वो आ जाए उसके बाद पूछूंगी उनसे क्या बनाना है और उसके बाद वही बनाऊंगी। और आज ना इतने सारे टॉवल धो के डाले हैं, देखिए पूरे टॉवल धो के डाल दिए। और उसके बाद ये आपको पीछे दिख रहा है तो ये है अरहर की दाल, मतलब कहाँ है ये अरहर की दाल है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मम्मी ने भेजी थी घर से, तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी बाहर डालने की, धूप ही नहीं आ रही थी इसी वजह से आज डाल दी है। और वो है चने, वो भी मम्मी ने भेजे थे, इधर क्यों उंगली दिखा रही हूँ मैं, ये यहाँ पर चने हैं, तो ये भी मम्मी ने भेजे थे, तो ये वॉश करके डालने थे, तो ये भी आज वॉश करके डाल दिए हैं, तो वो भी सूख रहे हैं। तो वही देखने के लिए आई थी कि थोड़ा सा हाथ लगाने के लिए कि ये पलटा देते हैं ना थोड़ा सा तो अच्छे से सूख जाते हैं, तो इसीलिए वो उसको हाथ लगा दिया तो अच्छे से सूखेंगे। और अहो हाँ सॉरी, मैंने इनको गुड़ लाने भेजा था तो ये गुड़ लाने गए थे। और ये नारियल ना, नारियल के ये छिलके निकाल दो इसका, ये क्या बोलते हैं ऊपर का कवर, हाँ कवर देखे करके ले जाओ ना, वहाँ पर ही रखो, इधर रखो बाजू में साइड में रखो, इधर रख दो साइड में, और हैंड वॉश कर दो आप, इधर कोने में रखो और साइड हैंड वॉश करो, हाँ हैंड वॉश कर। तो चलो वो निकाल दो और उसके बाद अभी ये पूजा करने जाएंगे वहाँ पे बच्चों को लेके। यहाँ पर ही आश्रम माता का मंदिर है तो वहाँ पर जाना पड़ता है आज के दिन, मंदिर मीन्स छोटा सा ही मंदिर है यहाँ पर पास में ही है, तो वहाँ पर जाएंगे पूजा करने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। तब तक मैं जो बचा हुआ खाना है वो बना लेती हूँ, मतलब बचा हुआ मीन्स थोड़ी सी कढ़ी बनानी है मुझे। और आज ना भगवान का भोग जो होता है वो पूरन पोड़ी और उस पर क्या बोलते हैं चावल और उस पर दही डालना पड़ता है, वही भगवान का भोग होता है आज के दिन, तो इसी वजह से भगवान के लिए तो बन गया है जो बनाना था सब। बाकी सिर्फ अहो पकौड़े बनूंगा थोड़े, यार नहीं बना कर रही है तो सिर्फ कढ़ी बना लेती हूँ पकौड़े के लिए। अभी आजकल ना वो फ्राइड चीज़ें खाने के लिए मनाही कर रहा है पता नहीं क्यों। तो चलिए जल्दी से अंदर जाती हूँ, अभी कढ़ी बनाती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अजय क्या कर रहे हैं पापा? नारियल काट रहे, छिलका निकाल रहे। नारियल ला बोलता है तू, आराम से भाई आराम से। मैंने थाली निकाल दी अब ये पूजा की, आप लेके जाओ अब। बहुत कच्चा कच्चा था ये नारियल, मतलब पूरा पका भी नहीं था ये।
देखो अच्छा है, मतलब इसका नाम का ये सेम ही है ना, रियल रियल नहीं है वो ना रियल, अरे पका हुआ नहीं है ये पूरा का पूरा। देखो ये छोटा सा नारियल लाया था इन्होंने, कच्चा है ये नारियल, इसको ये भी तो नहीं आई है, इसका जो पीछे का हिस्सा होता है ब्लैक वाला वो भी तो नहीं आया है इसे। और हाँ यहाँ आ गए पूजा करके, बच्चों को लेके गए थे बच्चों, और ये पूजा करके आया है यहाँ पर। अभी मेरे पास प्रसाद ला के दिया है इन्होंने, चलिए इतना खा लेती हूँ और देखती हूँ फिर किचन में क्या बनाना बाकी है। तो यहाँ पर मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ, तो कढ़ी मैं कैसे बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है तेल, तेल गर्म होने के बाद मैंने थोड़ा सा जीरा राई ऐड किया है उसमें, और जीरा राई चटकने के बाद मैंने उसमें ऐड किया है थोड़ी सी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ऐड किया है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा हींग ऐड करूँगी उसमें, हींग से बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है कढ़ी का, तो थोड़ा सा हींग ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसे अच्छे से होने दूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से चला लेना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए, और आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ही तेल ऐड किया है इसमें, और बस इसी तेल में मैं होने दे रही हूँ उसे और अच्छे से चला रही हूँ सारी चीज़ों को, अच्छे से होने देना है इसको। और उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और फिर ये फेटा हुआ दही मैंने उसमें ऐड किया है। इसमें मैंने क्या किया था, एक मिक्सी के पॉट में क्या किया था, दही डाला था और थोड़ा सा बेसन डाला था और उसे घुमा लिया था, तो बस यही ऐड किया है। और आपको कंसिस्टेंसी कैसे चाहिए वो आप देख सकते हो, आपको जितना पतला चाहिए उतना पतला रख सकते हो, जितनी गाढ़ी चाहिए आपको कड़ी उतनी गाढ़ी रख सकते हो। और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ी सी ऊपर से चीनी ऐड करूँगी ताकि खट्टा मीठा टेस्ट आए। तो बस इसी तरह से कढ़ी बनाती हूँ मैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है कढ़ी। और बस एक चीज़ मैं भूल गई थी जल्दबाजी में डालना, तो वो है मेथी सीड्स, क्योंकि मैं मेथी सीड्स ना पहले ही डाल देती हूँ जब ऑयल गर्म होता है, तो उसी टाइम में मेथी सीड्स डाल देती हूँ जब हम लोग मिर्ची और कढ़ी पत्ता डालते हैं उसी टाइम में, तो बहुत ज़्यादा उससे भी टेस्ट आता है कढ़ी का, तो बहुत टेस्टी बनती है कढ़ी। इस तरह से बना के ज़रूर देखना कढ़ी को एक बार। यहाँ पर पूरा खाना बन गया था मेरा, और ये भी मंदिर से आ गए थे बच्चों को लेके, तो बस यहाँ पर थाली परोस रही हूँ क्योंकि इन्हें ड्यूटी जाना था, इसी वजह से मुझे इनको जल्दी खाने के लिए देना था, तो बस इनके लिए थाली परोस रही हूँ, बाद में हम लोग खा लेंगे माही और मैं। चलिए पूरा खाना तो बन गया है, और अब धनिया भी भून लिया है, धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, आपको बताया नहीं था मैंने कि धनिया पाउडर ख़त्म हो गया, तो धनिया पाउडर भी बनाना था मुझे, तो मैंने धनिया भून लिया है। अभी थोड़ी देर के बाद जीरा भी भून लूँगी, जीरा पाउडर भी बनाना है, दोनों भी ख़त्म हो गए थे। तो अभी यहाँ पर कढ़ी भी बन गई है, चलिए खाना खा लेते हैं। तो गाइस सारे काम हो गए हैं, और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। देखो कितना फेस ऑयली हो गया है मेरा, अभी फेस वॉश करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इसके साथ मेरे दो और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।